अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रमजान का महीना चल रहा है और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हरीस। आइए मैं दिखाता हूँ हरीस के लिए क्या क्या चाहिए। तो हरीस को बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए है गंदुम, यानी कि गेहूं। हम लोग ने आधा किलो गेहूं लिया है, आधा किलो मटन लिया है बोन के साथ, एक प्याज, ऑलिव ऑयल, आप लोग मक्खन भी यूज कर सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और होल पेपर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गेहूं को इसको पानी में हम लोग को सोक करना है ओवरनाइट के लिए। और हमने कल रात में इसको पानी में सोक करके रख दिया था, तो आप जब देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, काफी मुलायम हो गया है, जिससे पकने में ये आसान हो जाएगा। इसको हम लोग एक साइड पे रख देंगे और हम लोग क्या करेंगे, मटन को कुकर में बॉईल करेंगे। ये आधा किलो मटन है, इसको हम लोग कुकर में डालेंगे हम लोग 1 से 1.5 लीटर पानी डालेंगे और फिर इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। पानी के बाद हम लोग डालेंगे इसमें 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और हम लोग इसको कर देंगे बॉईल होने के बंद। आइए जब तक हम लोग अनियन को चॉप कर लेते हैं। हो गई हैं, स्लाइस्ड हो गई हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्राई करके रख लेंगे देसी घी में ऊपर से गार्निश करने के लिए। लेंगे अमूल का देसी घी, जिसमें हम लोगों को अपनी अनियन को डीप फ्राई करना है, क्रिस्पी अनियन करना है। आपको जितनी अनियन चाहिए हो आप उतनी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पूरी अनियन लें। इतनी अनियन हाफ केजी हरीस के लिए काफी होगी। ये हम लोग अभी से फ्राई करके रख ले रहे हैं, इसका काम तो आखिरी में है, मगर फिर भी अभी से हम लोग फ्राई करके इसको रख ले। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 सीटियां आ चुकी हैं। अब हम इस गैस को बंद कर देंगे और हमारी अनियन भी ब्राउन होना शुरू हो गई है। हम लोग क्या करेंगे, अनियन को ब्राउन करके अलग निकाल के रख लेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, और ऑयल को घी को सेपरेट कर देंगे। मटन अच्छी तरह से गल गया है, हम लोग इसको निकाल लेते हैं बाउल में। आप चेक कर लें, अगर आपको लगता है पानी थोड़ा कम है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से पानी ठीक है। जब ये मटन ठंडा हो जाएगा तो हम इसको डीबोन कर लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे ताकि ये अच्छे से गंदम में मिक्स हो जाए हरीस में। मटन को हम लोगों ने अच्छे से डीबोन कर लिया है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस, और अच्छी तरह से ये गल गया है। अब हम लोग गंदम को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं गंदम भी अच्छी तरीके से गल गया है, ये देखिए। अब हम लोगों को क्या करना है, एक पॉट लेना है जिसमें हम लोग गंदम को ट्रांसफर करेंगे।
गंदम को हम लोग अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये बिल्कुल एक ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हम लोग श्रेडेड मटन के पीसेस भी डाल देंगे। मटन अच्छे से गल गया है और गंदम भी अच्छे से गल गया है, मगर हम लोग को इसको कंटिन्यूसली चलाना है ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिल जाए। अब हम लोग इसमें ब्लैक पेपर करेंगे, फ्रेश ब्लैक पेपर डालेंगे 1 टेबल स्पून। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। कितना स्मूथ हो चुका है ये देखिए आप, मटन बिल्कुल ही गंदम में मिक्स। ये सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसके ऊपर देसी घी और फ्राई की हुई अनियन के साथ इसको गार्निश करके सर्व कर सकते हैं। ये रही हमारी अनियन जो हम लोगों ने फ्राई करी थी। घी आप लोग ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, बटर भी यूज कर सकते हैं। हम लोग देसी घी पसंद करते हैं इसलिए हम लोग देसी घी यूज कर रहे हैं। ये हमारी डिश रेडी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मटन अच्छे से बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखिए आप अच्छे से टेंडर हो चुका है, टेंडर नहीं हुआ है। इसको हम लोग को घोटना है बिल्कुल, जैसे कि आप लोग समझते हैं ना।